कल का आयोजन अब नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ गोपियों? महादेव पार्वती ने इस आयोजन का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। क्षमा करना गोपी, मैं इस आयोजन में भाग नहीं लूंगी। ये जानकर अन्य देवताओं ने भी इस उत्सव में आने से मना कर दिया और इस कारण श्री कृष्ण बहुत दुखी हैं। क्या हुआ राजा, तुम दुखी क्यों? जैसा चाहती थी अब वैसा ही तो हो रहा है, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तुमने इतने परिश्रम से ये सारी व्यवस्था की, मैं प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि क्योंकि ये आयोजन नहीं हो रहा है। और क्या सच में तुम चाहते थे कि गोपियों के निमंत्रण से देवकन्या यहाँ उपस्थित हो? क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हो, किंतु अब तुम्हें देखकर ज्ञात हुआ है कि वास्तव में था, तुम यही चाहते थे। तुम्हें ज्ञात ही नहीं है इस आयोजन को विशेष बनाने के लिए मैं क्या क्या कर रहा था। मैं इस दिन को अविस्मरणीय बनाने के लिए कितने प्रयास कर रहा था। कितना अच्छा होता राधे यदि इस उत्सव के ना होने की तुम कामना नहीं करते। अब जब सब अतिथि आएंगे ही नहीं तो इस भव्य आयोजन का क्या लाभ? नेत्रों में अश्रु? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करके ही रहूंगी। तुम्हारे पितामह श्री कृष्ण अभी तक तुम्हें मुक्त करवाने क्यों नहीं आए? मुझे काका श्री श्याम पे पूर्ण विश्वास है कि वो पितामह श्री कृष्ण और तात श्री बलराम को लेकर किसी भी समय यहाँ आते ही होंगे। और यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अभी भी समय भालदेव, मुझे मुक्त कर दो। नहीं, मैंने तुम्हें बंदी इसीलिए बनाया है कि श्री कृष्ण स्वयं यहाँ चल के आए। अब इसके लिए चाहे एक युद्ध ही क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सैनिकों, सेनाओं को सज्ज करो। सैनिकों, आगे बढ़ो। रुक जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सब क्या हो रहा है साहब? तावश्री, मैं अपने दायित्व को नहीं भूल सकता। यदि वहां अनिरुद्ध को कुछ हो गया तो मैं अपने भ्राता प्रद्युम्न को क्या उत्तर दूंगा? द्वारकाधीश से क्या कहूंगा? बड़ों की आज्ञा लेना तो तुमने सीखा नहीं है साहब, तो बड़ों की आज्ञा का पालन करना क्या सीखोगे? और मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यहां कोई भी निर्णय मेरी आज्ञा के बिना नहीं लिया जाएगा। कहा था नहीं कहा था? हाँ, कहा तो था। फिर मेरी आज्ञा के बिना युद्ध का आदेश कैसे दिया गया? क्या हुआ? अब तो सभी देवता आ रहे हैं, हमारा आयोजन भी अत्यंत भव्य होगा। आप सबको प्रसन्न होना चाहिए, आप सब दुखी क्यों? हाँ, हम सब दुखी हैं क्योंकि राधा रानी दुखी हैं। आप दुखी ना हो इसलिए राधा रानी ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन हमसे उनका दुख देखा नहीं जाता, इसीलिए हम सब इस उत्सव में भाग नहीं लेंगे। हे श्री कृष्ण, हमें पुनः गोलोक लौट जाने की आज्ञा दीजिए। यदि ऐसा है तो आप सबको गोलोक लौटने की आज्ञा है।
किंतु एक निवेदन है कि आप संध्या काल तक रुक जाएंगे। मैंने आप सबके लिए एक ऐसा आयोजन किया है जिसे जानकर आप सबके मुख पे पहले जैसे ही प्रसन्नता आ जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा, हम यहाँ संध्या तक अवश्य रुकेंगे। मेरे सभी अपने आज दुखी हैं, गोपियां दुखी हैं, रुक्मिणी दुखी हैं, वहां दाऊ और अनिरुद्ध दुखी हैं, सारे देवता दुखी हैं। क्यों? क्योंकि मेरी राधे दुखी है। कोई बात नहीं, आज संध्या काल में कुछ ऐसा होगा जिससे राधा पुनः एक बार प्रसन्न हो जाएंगे। राधा प्रसन्न तो ये संसार प्रसन्न। प्रद्युम्न, क्या हुआ, इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो? अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि यदुवंशी राजा भालदेव ने अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये सब कैसे हो गया, और काकाश्री ने भी अभी तक कोई सूचना नहीं दी। ये क्या कह रही हो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है? भालदेव के समीप अनिरुद्ध अधिक समय के लिए सुरक्षित नहीं। अनिरुद्ध के प्राण संकट में है और वह कृष्ण उत्सव की तैयारियों में व्यस्त। यदि मैं आपके स्थान पर होता ना, तो इतने समय तक वह अनिरुद्ध को ऐसे बंदी नहीं बने रहने देता। आपको चिंता हो या ना, किंतु दाऊसी, मुझे द्वारका के भविष्य की चिंता है। पीठ पीछे अपने ही पिता की मृत्यु का षड्यंत्र रचने वाले, अपने ही निवास स्थान द्वारका नगरी को जलमग्न करने की योजना बनाने वाले निडर साहसी मूर्ख मूढ़ मति व्यक्ति के मुख से ऐसी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। रही बात बलदेव की, तो उस बलदेव को मैंने आज संध्या तक का समय दिया, इसलिए आज संध्या तक आप सभी को धैर्य रखना होगा। ठीक है ताऊजी, किंतु यदि संध्या होने तक उस भालदेव ने अनिरुद्ध को मुक्त नहीं किया, तो फिर मैं इस युद्ध के लिए अकेले जाऊंगा बिना आपके आदेश के। उचित समय आने पर उचित निर्णय लिया जाएगा साथ। इस समय तो आपने मुझे रोक लिया ताऊश्री, किंतु आज नहीं तो कल मैं ये युद्ध करवा कर ही रहूंगा। काकाश्री, ये मोरपंख किस लिए? मैं चाहता हूं एक अत्यंत विशेष कार्य तुम करो निशांत। प्रेम से भरा एक पत्र लिखो यदुवंशियों के लिए और उन्हें आमंत्रित करो आज संध्या काल के उत्सव में आने के लिए। काकाश्री, क्षमा कीजिएगा, परंतु अनिरुद्ध अभी भी बंदी बना हुआ है, और संध्या में उत्सव के लिए सबको आमंत्रित कर रहे हैं। उचित नहीं लगता है ना? परंतु ऐसा नहीं है निशांत, मेरा अनुभव बस यही कहता है कि जीवन के संघर्ष जब उच्चतम स्तर पे भी क्यों ना हो, प्रसन्न रहने का प्रयास कभी नहीं त्यागना चाहिए। एक ऐसा समय है जहां पे इस उत्सव को स्थगित करना उचित है ही नहीं। हमें इस दुख को मिटा के सुख को जागृत करने की सदैव से अधिक आवश्यकता है। कृष्ण, अच्छा होगा यदि तुम अपना अनुभव अपने पास ही रखो। ऐसा कैसे कर सकते हो कृष्ण, तुम्हें अनिरुद्ध की तनिक भी चिंता नहीं है। हमारा पौत्र बंदी बना हुआ है और यहाँ आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। आप अनिरुद्ध के लिए निश्चिंत हो सकते हैं, किंतु मैं नहीं। मुझे मेरा पौत्र लौटाइए श्री कृष्ण। हाँ पिताश्री, हमें अनिरुद्ध की रक्षा के लिए तत्काल ही प्रस्थान करना चाहिए। सुन लिया तुमने कृष्ण,
केवल मैं ही नहीं, सभी चाहते हैं कि तुम ये उत्सव छोड़कर युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। क्या मैं कुछ कह सकता? आप सबकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। संध्या काल के उत्सव में अनिरुद्ध हमारे साथ होगा, ये मेरा वचन। ऐसा क्या होने वाला है संध्या में जिसकी आशा में हम धैर्य साधे बैठे? कृष्ण, वहां हमारे अनिरुद्ध संकट में है। ये सत्य है कि अनिरुद्ध युद्ध कौशल में निपुण है, किंतु अनुभवी विरोधी का सामना वो केवल शस्त्र से नहीं कर सकता। काकाश्री, सत्य तो ये है कि यदुवंश में आपसे युद्ध हो चुका है, और ये युद्ध की ललकार के मध्य आपकी प्रेम की पुकार वो कैसे सुन पाएंगे? ऐसी बात है, युद्ध की ललकार के समक्ष प्रेम की पुकार कितनी अधिक शक्तिशाली, क्या आप सभी को आज संध्या काल में ज्ञात हो जाए। आज हरि यदुवंशी यहाँ इस उत्सव में प्रस्तुत होने वाला है। इतना ही नहीं, आज तुमने एक अत्यंत विशेष अतिथि को भी आमंत्रित किया है। विशेष अतिथि कौन? सभी बातें यदि अभी बता दी तो संध्या काल के उत्सव का आकर्षण ही क्या रह जाएगा। थोड़ी प्रतीक्षा करो, सब ज्ञात हो जाएगा। और निशाद, तुम्हें जो कार्य दिया गया है वो करना। मेरी ओर से यदुवंशियों के लिए एक प्रेम से बड़ा आमंत्रण भेजना, और सभी चिंता त्याग दीजिए। अस्त होता हुआ ये सूर्य मुझे द्वारका के पतन का संकेत दे रहा है। संध्या काल हो चुका है किंतु अनिरुद्ध अब तक नहीं लौटा है, इसलिए आप युद्ध होना तो निश्चित है। इसका अर्थ यह है कि अब बलराम जी भी हमें युद्ध करने से नहीं रोक पाएंगे। चल। सोमदेव, शाम आ जा रहे हो तुम दोनों? कदाचित आप भूल रहे हैं कि मैंने आपसे क्या कहा था। सूर्यास्त होने के पश्चात युद्ध पर मैं अकेला जाऊंगा, और देखिए सूर्यास्त हो चुका है, अब युद्ध अवश्य होगा। अच्छा ठीक, मत मानो मेरी बात, किंतु अपने पिताश्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बात तो मानोगे ना तुम दोनों? श्री कृष्ण तो द्वारका में, वो हमसे क्या कहेंगे? जिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पौत्र की रक्षा करने की इतनी तीव्र इच्छा तुम दोनों के मन में उठ रही है, उन्हीं द्वारकाधीश ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। सुन, आज संध्या द्वारका में आज तक के सबसे भव्य और विशाल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और इस उत्सव के विशेष अतिथि के रूप में सोमदेव को आमंत्रित किया जाता है। स्नेहपूर्वक कान्हा ने तुम्हें सादर आमंत्रित किया है सोमदेव। ये क्या कह रहे हो? एक बार पुनः बताना, किसे विशेष अतिथि बनाया है? तुम्हें सोमदेव, ये आमंत्रण तुम्हारे लिए है। समस्त यदुवंशियों के समक्ष तुम्हें विशेष आदर प्रदान करना चाहते हैं, और यही नहीं, तुम्हारे लिए एक विशेष घोषणा भी करेंगे स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण।